HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए कुंड में मनेजी एक संघ समिति की जो मीटिंग चल रही थी वो लगभग अब समाप्त होने के कगार पर है और हमारे साथ एम्स संघ समिति के लोग हैं जो मुख्य लोग हैं जिन्होंने एम्स को लेकर के काफी संघर्ष किया और जो पर्यावरण की रिपोर्ट आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं अहिरवाल का राजनीतिक माहौल जो गरमाया गया और उसके बाद एम्स संघ समिति ने एक बार पुनः जो मीटिंग बुलाई थी वो मीटिंग अब समाप्त होने के कगार पर। एक बार सीधे उन्हीं से बात करते हैं एम्स संघ समिति के लोगों से, क्या उनका कहना है मीटिंग में, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया, कौन कौन से यहाँ नेता है, क्या क्या वो कहते गए, सीधा एक बार हम एम्स संघ समिति के लोगों से हम बात करेंगे। जनाब एक बार पहले आप अपना शुरू में एक बार पूरा परिचय एक बार आप दीजिए। सोमनाथ सरपंच एम्स संघ समिति चेयरमैन। सरपंच जी आज आपने मीटिंग बुलाई एम्स संघ समिति की, क्या निकल के आया, यहाँ आप लोगों ने तमाम यहाँ सत्तापक्ष विपक्ष के लोग आए, क्या आश्वासन दिया, क्या लगता है खटाई में है अभी, मानती है समिति आपकी, क्या मानती है? जैसे आज हमारे साथियों ने जो ग्रुप इकट्ठे किए हैं वो लोग का सरकार कह रही है बार बार अरावली क्षेत्र है, ये अरावली क्षेत्र नहीं है, वन विभाग के चार भागों में बटा हुआ है, ये किसी भी भाग में वन विभाग के नीचे नहीं है, उसकी जमीन है वो वन विभाग की है, मणिपुर पंचायत की है, उसके बाद की पंचायत है और उसके चौथानी पंचायत है। तो अब तमाम जो नेता है क्या आश्वासन दिया, बनवारी लाल जी आए, विपक्ष के नेता कप्तान आए और भी तमाम नेता आए, आपके पास बहुत सारे लोग आए, सभी ने एकजुट होकर यही कहा मैंने कि हमें ही एम्स बनेगी और हम कंधा से कंधा मिलाकर पक्ष विपक्ष सब साथ चलेंगे और इतने आश्वासन के बाद अब क्या लगता है आपकी संघर्ष समिति को, क्या वाकई के अंदर सरकार की मंशा है एम्स बनाने की या राजनीतिक स्टंट पूरा ये है? सरकार ने अभी तो कोई मना किया नहीं है, एनजीटी की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम इकट्ठे हुए, सरकार के लिए तो राज्य सरकार की कोई मंशा है स्टेटमेंट आई है भाई एम्स मणिकीन नहीं बनेगा, नहीं कोई भारत सरकार का वो आया है भाई एम्स मणिकीन। डी सी साहब की अध्यक्षता में एक एडीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई वो उससे मिलेंगे और अपना पक्ष। तो अब जिस तरीके के तमाम जो लोग आए हुए हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने 127 दिन संघर्ष किया और एक अहिरवाल की हमें जहां तक जानकारी मिली कि इतनी बड़ी परियोजना है एम्स एक सौगात है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से पहले सैनिक स्कूल का हस्त्र हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, तमाम बहुत सारी योजनाएं जो अहिरवाल में आई वो कहीं ना कहीं उनका गला घोट दिया गया, एम्स है तो एक जो अब अहिरवाल में जोश है, लोगों की एक सबसे बड़ी मांग है, वो क्या लगता है कि वाकई में पूरी होनी चाहिए या सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसकी स्वीकृति दी थी, आप खुद मानते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जुबान। जब ये एम्स का धरना स्टार्ट किया था तो हमें भी नहीं लग रहा था एम्स ऐसी परियोजना हमें मिल पाई, पर हमारे संघर्ष के पीछे सरकार को झुकना पड़ा और एम्स मणिकीन ने घोषणा की, हमें विश्वास है ऐसे ही हम संघर्षशील क्षेत्रवासी खड़े रहे तो एम्स अब भी मणिकीन में ही पड़ेगी। 127 दिन के धरने में तो ये लग रहा था जनता को ये तो वैसे ही बैठे हैं, एम्स मणिकीन में आएगी वो आई और आगे भी हम अपने जो नेता हैं उनसे मिलेंगे और अगर उन्होंने कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया तो आगे और कड़ा नहीं। लेकिन एचआरडी ने तमाम नेताओं से सत्ता पक्ष के नेताओं से बात की, आपने भी खबरें सुना होगा, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, कोई बता रहा है कि जगह दूसरी जगह चिन्हित की जाएगी अगर रुकावट आती है या कुछ और किया जाएगा, नई जगह देखी जाए या सरकार उस जमीन को खरीदे, तो क्या लगता है ये जगह बदलने की भी कहीं रणनीति में काम हो रहा है कि यहाँ से सरकार के एम्स को कहीं और भेज दिया जाए, क्या इस तरह का आपकी कमेटी को समझते हैं कोई? मैं तो यही कहना चाहता हूँ अगर ये जगह में भी कोई विवाद आ गया तो सरकार जो किसानों को चार गुना मुआवजा देकर एम्स मणिकीन में ही बनेगी और कहीं नहीं बनेगी, मणिकीन के अलावा कहीं नहीं बनने को तैयार है। देखिए सीधा सीधा सरपंच साहब जो मेन संघर्ष समिति के मुखिया थे, हमारे साथ और भी लोग हैं, एक बार हम उनसे ही बात करते हैं, एम्स में बहुत सारे लोग भी यहाँ आए हुए थे, अभी जो मीटिंग हुई है एम्स संघर्ष समिति की उसको लेकर के, जनाब आपने भी आज मीटिंग में हिस्सा लिया, क्या कहेंगे, क्या लगता है जो ये विवाद खड़ा हुआ है एक का एक आप किस रूप में देखते हैं? ये आज की पंचायत इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंची है, जो फॉरेस्ट एडवाइजरी जो कमेटी थी वन सलाहकार कमेटी उसके सामने सही तथ्यों को नहीं रखा गया, एक तरफा तथ्यों को रखा गया, उन तथ्यों को अगर सही रखा जाता तो ये लैंड ना तो फॉरेस्ट लैंड की परिभाषा में आती है,
ग्राम पंचायत ने 3 साल के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी थी केवल, उसके बाद ग्राम पंचायत की मलकियत है, ग्राम पंचायत का कब्जा है और यहाँ कोई फॉरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने FAC के सामने सही तथ्यों को नहीं रखा। अब ये फैसला लिया गया है कि हम लोग शिष्टमंडल हमारा सरकार से मिलेगा, अधिकारियों से मिलेगा और हम ये कहेंगे कि जो जिन तथ्यों के आधार पर आपकी रिपोर्ट आई है कि यहाँ सैंक्शन नहीं मिलेगी, हम अपने तथ्यों को लेकर जाएंगे और उम्मीद है हमारे तथ्यों को मान लें। देखिए सीधा सीधा हम इतने को रोकेंगे, कहीं ना कहीं एम्स कितनी बड़ी परियोजना है इस चीज का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने जो कागजात है उनको खंगाला जा रहा है, सीधा एक एक चीज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना एम्स की जो मिली है, सौगात यहाँ पे आई थी और उसमें जो संकट के बादल छाए, तो कहीं ना कहीं तमाम जो अहिरवाल के नेता है या जो भी सत्ता पक्ष विपक्षी अपने अपने हिसाब से उस चीज को खंगाल रहे हैं और हर तरीके से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्स यहाँ से नहीं सरके और एम्स यहीं पर बने। अपने अपने तरीके से बताया जा रहा है, कोई पेड़ की बात बता रहा है, कोई किसी, जैसा भी इन्होंने बताया कि इसके कागजात जमीन को 3 साल के लिए लीज पे दिया गया था, पेड़ लगवाए गए थे, लेकिन जमीन पंचायत की है। इस तरीके के मुद्दे हमारे साथ पंचायत के बहुत भी लोग हैं, आप भी जहाँ संघर्ष समिति में हैं। हाँ, मैं संघर्ष समिति का प्रवक्ता हूँ। जी, आप प्रवक्ता, बहुत बड़ी बात है, आप बताइए पूरा जो मामला आपने देखा होगा गंभीरता से, किस तरीके का जो मामला निकल के आया, क्या लगता है अब इसको? इसमें दो ऑब्जर्वेशन थी मेन। पहली ऑब्जर्वेशन थी कि हाईवे से 30 किलोमीटर दूर है जो गलत है, क्योंकि हम नेशनल हाईवे जो जयपुर वाला है उसको छोड़ के ये नेशनल हाईवे 11 नंबर है जिसको आप खड़े हैं, और 11 नंबर के बिल्कुल साथ 500 मीटर की दूरी पे वो साइट है। तो पहली बात तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे कि ये नेशनल हाईवे 11 नंबर है और उसके ऊपर है, इसलिए जो नेशनल हाईवे की जो कंडीशन है वो हम पूरी करते हैं। दूसरी ये करते हैं कि जैसे अभी वकील साहब बता रहे थे कि जमीन केवल और केवल 3 साल के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई थी, और रेजुलेशन हमने पढ़ा है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी जा रही है, वो छोटी मोटी जो भी गाड़ियां लगाएंगे, उसके बाद 3 साल के बाद वो जमीन और वो पौधे पंचायत के होंगे, वो चाहे उसको जिस तरह से यूज करें। तो ये दोनों तथ्य हम रखेंगे और अभी कमेटी ने डिसाइड किया है। एक सवाल हम करते हैं, जिस तरीके से आपने जो जमीन दी है ये फ्री में दी है या गवर्नमेंट इसका पैसा भी आप लोगों को देगी, बनाएगी जमीन को, तो या आप इसका कुछ पैसा लेंगे? जमीन हमने फ्री में दी है, लेकिन जो खर्चा आएगा वो सरकार का होगा, उसको बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में या जो कुछ बनेंगे वो सब सरकार का होगा। तो देखिए, इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि एम्स बनाने के लिए 233 एकड़ जमीन की बात की जा रही है जो पंचायत फ्री में दे रही है, यानी कि सिर्फ एम्स बनाने के लिए सरकार को सिर्फ खर्चा एम्स का करना है, जो एम्स की लागत करीबन 1100 या 1400 करोड़ समथिंग बताई जा रही है वो करनी है, और पंचायत 233 एकड़ जमीन अपने आप में देने की बात है कि फ्री में, और यहाँ ऐतिहासिक परियोजना यहाँ पर आए, तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं पूरा राजनीति माहौल अहिरवाल की, बार बार हम जो जिस तरीके का जिक्र कर रहे हैं कि अहिरवाल की इतनी बड़ी परियोजना है ये, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, कोई भी आदमी इसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में जिस तरीके की बीमारी के हालात हैं, जो जिस तरीके का चल रहा है स्वास्थ्य को लेकर के, तो कहीं ना कहीं हर जो लोग चाहता है कि अहिरवाल में इस तरीके की स्वास्थ्य परियोजना है, क्योंकि निजी क्षेत्र में जो निजी स्वास्थ्य चिकित्सक है वो तो बहुत सारे यहाँ आ गए, लेकिन सरकारी परियोजना कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, एक बार हम उनसे भी एक बार बात करते हैं। जनाब, एक बार आप अपना शुभ नाम बताइए। राजेंद्र सिंह नांदा, मैं स्थानीय जिला पार्षद और संघर्ष समिति का कोषाध्यक्ष। नांदा जी, ये बताइए, हम बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, इतनी बड़ी परियोजना है जो संकट के बादल आए, आज मीटिंग भी हुई, अब आप कहाँ निष्कर्ष पे पहुंचे? हम 3 दिन पहले आपसे मिले थे, आपने हमें आश्वासन दिया था कि मीटिंग के बाद कुछ निकल के आएगा। देखिए, मीटिंग हमने इसलिए रखी थी कि हम लोगों को बताएं कि जिस प्रकार से अखबारबाजी हो रही है वो किस आधार पे हो रही है। हमने तथ्य जुटाए, हमारे पूरी टीम ने सभी प्रकार के तथ्य जुटाकर हमें पता लगा है कि ये ना तो अरावली लैंड है, ना ही किस प्रकार से ये रिजर्व फॉरेस्ट है, और ये किसी भी प्रकार से जो FAC की जो रिपोर्ट आई है वो तथ्य से परे है, ना वो पता नहीं किस प्रकार से रिपोर्ट दी है इस कमेटी ने। हमें लग रहा है कि शायद कमेटी यहाँ आई नहीं और अपने दफ्तर में बैठ के ये रिपोर्ट दी है, तो ये लगा इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सभी प्रकार के सभी पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आए हैं, और इस मुद्दे पर मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे इलाके की जनता का, जो अपने इस पार्टियों से परे होकर
और इस बड़ी सौगात को ना जाने के लिए इकट्ठे हुए हैं एक मात्र अखबार की उससे। हम आपसे एक और अहम सवाल करेंगे, तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग आए जिससे विवाद खड़ा हुआ, और जो लोकसभा चुनाव से पहले हमारे स्थानीय सांसद रामिंदर जी सिंह पटवा लिखे, उन्होंने कहा था कि इनकी घोषणा हो गई, अभी तक उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया आपके, शायद मेरा जहाँ तक अनुमान है आपके संगठन में, क्या लगता है उनको यहाँ आना चाहिए? एक तो ये हमने मीटिंग बिल्कुल ही जल्दबाजी में ये संडे की वजह से रख ली, हम मिलना चाह रहे थे राव साहब से, लेकिन अभी पार्लियामेंट चल रही है, संडे का टाइम दे रहे थे, लेकिन संडे की मीटिंग थी, इस कारण फ़ोन पे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मेरी अमित शाह से भी बात हुई है और कल बात हुई थी, बोला आज प्रकाश जावड़ेकर से भी बात करूँगा, राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई है, इसी प्रकार से घबराने की कोई बात नहीं है, एम्स मनेठी में। आपको लगता है कि मीडिया के अंदर कुछ बयानबाजी करके इस चीज़ को, मामले को शांत किया जा सकता था? जितना बड़ा कूल दिया जा रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष, आम आदमी के अंदर एम्स को लेकर के बड़ा विवाद कहीं ना कहीं संशय खड़ा हो गया, जिस तरीके का आपने देखा पूरी राजनीति माहौल अहिरवाल का लड़वा गया, तो नहीं लगता है सांसद को सामने आना चाहिए या अपना बयान कर देना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अभी तो पार्लियामेंट चल रही है, तो अभी उन्होंने मना नहीं किया, ना सरकार हरियाणा सरकार ने मना किया है, ना भारत सरकार ने मना किया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, पहले सीएम साहब ने घोषणा की थी, और जो देश का प्रधानमंत्री की अगर घोषणा ऐसे जाया जाएगी तो हमारा देश के प्रधानमंत्री का विदेशों में डंका बज रहा है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि एम्स मनेठी में बने। तो देखिए कहीं ना कहीं विश्वास पूरी तरीके से जमा हुआ है, कुछ और भी आप भी एम्स संघर्ष समिति में जना, आप क्या कहेंगे जिस तरीके का ये माहौल लगता है कि अब राजनीति पूरा रंग लेता जा रहा है, आपने आज मीटिंग भी बुलाई है, तमाम या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग आए हैं, क्या कुछ निष्कर्ष उसमें लगता है अब आपको निकलेगा एम्स का? पूरा उम्मीद है हमको, मैं गांव का एक्सा बिजनेस वगैरह रवेशी हूँ, और हम एम्स के लिए पूरा गांव आसपास के सब जनता का सहयोग है और मंत्रियों का भी सहयोग है, खुद आए हैं, उन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया गया हमको, ताकि इसको हम आगे इस चीज़ को आगे करें। तो देखिए पीछे आपको दिखा दें, अभी लास्ट के अंदर जिस तरीके से हालांकि तमाम जो नेता है आकर के चले भी गए, लेकिन अभी थोड़ा सा जारी है अभी संघर्ष समिति की मीटिंग, क्योंकि अपनी अपनी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, हालांकि जो सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग आए थे ज्यादातर यहां से आकर के चले गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है ये किसी भी हाल में अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, जब तक बड़ा कोई बयान सामने नहीं आता या प्रधानमंत्री इस पर कोई बात करे या स्थानीय सांसद यहां करके कोई बात करे, जब तक इस तरीके की बातें नहीं आएंगी सामने नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा संशय बना हुआ है एम्स को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी परियोजना है, चाहिए और भी विपक्ष के लोग हैं, जहां एक बार आप अपना शुभ नाम बताएंगे। जगफूल यादव, जिला परिषद वाइस चेयरमैन, जिला परिषद रेवाड़ी। अच्छा जी, आप जेजेपी से हैं, अब क्या कहेंगे, आज भी आप मीटिंग में आप लोग आए हैं एम्स को लेकर के, क्या लगता है अब कहीं मामला शांत होगा? इस तरीके की बयानबाजी विपक्ष की भी आ रही थी, आप लोग भी लगातार कर रहे थे, आज मीटिंग में आप लोग आए हैं, क्या लगता है शांत होगा ये मामला? हर नॉर्म्स पूरा करते हुए और एम्स मनेठी जो फैसला लिया था एम्स मनेठी बनाने का, हर नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं है। आज पूरे इलाके की जनता की एक महापंचायत रखी गई है और एक छोटे से समय में, एक शॉर्ट वे में, एक मात्र दो दिन के अंतराल में आज इतनी महापंचायत का आयोजन किया गया है, तो मैं तो सरकार से यही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार दक्षिणी हरियाणा की जनता को इतना कमजोर ना ले। इतिहास इस बात का गवाह है कि दक्षिणी हरियाणा की जनता जब जाग जाती है तो अपना हक लेना जानती है, वो अपना हक लेकर के रहेगी। पीछे 127 दिन के धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार झुकी, सारे नॉर्म्स पूरे किए और बजट में भी इसको शामिल किया गया है, लेकिन आज जो वन पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जब कोई इसका इशारा किया मना करने के लिए किया, तो सरकार की मंशा मुझे लगता है ठीक नहीं है। आज वन पर्यावरण मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री ये आए सत्ता पक्ष से कहने में, बावन से जो विधायक भी हैं आपके, उन्होंने साफ तौर पे कहा, आश्वासन दिया, उसके बाद विपक्ष को क्यों लगता है इस तरह की बातें होगी? देखिए यहाँ हम इस महापंचायत में राजनीति के धारणा से ऊपर उठ करके इस पूरे इलाके की महापंचायत ने जो फैसला लिया है, अभी आगे की जो रूपरेखा तैयार की गई है, एक बार उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, प्रधानमंत्री तक मैसेज भेजेंगे, मुख्यमंत्री तक कुछ मैसेज भेजेंगे, और फिर भी अगर सरकार की मंशा में कुछ खोट लगा तो दक्षिणी हरियाणा की जनता मजबूती से अपना हक लेकर के रहेगी। आज एक दो दिन के अंतराल में महापंचायत में हजारों लोग एकत्रित हुए हैं, तो इससे लगता है कि अब हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा की जनता जाग चुकी है और आखिरी दिन तक अपना हक लेकर के रहेगी। सारे नॉर्म्स को पूरे करते हुए और सरकार ने यहाँ एम्स मनेठी को बनाने की घोषणा की थी, जो कि बजट में फैसला ले लिया गया। देखिए
विपक्ष कहीं ना कहीं शांत नहीं हो पा रहा है। हालांकि आश्वासन देखे गए हैं, अभी मंत्री यहाँ पर बनवारी लाल जी स्थानीय विधायक भी है बावल से, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसी तरीके से निराश नहीं, उसके बाद भी कहीं विपक्ष को लगता है कि अभी ये मामला शांत होने वाला नहीं है। कुछ और आप तो वकील हैं, आपने भी जैसा हमें बताया था थोड़ी देर पहले कागजात आप लोगों ने निकलवाए हैं, इस तरीके की रणनीति पर काम किया जा रहा है, और जो बयान सत्ता पक्ष विपक्ष की आ रहे हैं, क्या लगता है इस मामले को कहीं ना कहीं ठंडा होना चाहिए? ये मामला ठंडा नहीं होगा जब तक एम्स नहीं बनेगा, ये मामला आगे बढ़ेगा। एम्स हमारा एक सवाल है, एम्स का साथ अभी भी तो बनता नहीं है, टाइम लगता है। जो भी हो एम्स का टाइम लगेगा निर्माण कार्य में, और एम्स की तमाम जो फॉर्मेलिटीज है जिसका शिलान्यास करने की जो बात है उसके लिए जरूरी होना चाहिए वो, और अभी आज पंचायत ने फैसला लिया है कि एक महीने में 10,000 पत्र हम प्राइम मिनिस्टर को लिख देंगे। आपने फैसला लिया है एम्स को बनाने का, और आपने एम्स को बनाने का फैसला लिया है तो आप इसका तुरंत शिलान्यास करें। अगर ये उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो जैसा पंचायत का आज फैसला है कि महापंचायत जुलाई में बुलाई जाएगी 23 जुलाई के तुरंत बाद, और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। देखिए अभी भी आंदोलन करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं है, और भी हमारे साथ लोग हैं, एक बार हम बात करेंगे इनसे। आपने हमें पहले भी बताया था मीटिंग होगा उसके बाद तो निष्कर्ष निकलेगा, आपसे हमने बात की थी आए थे 3 दिन पहले, अब मीटिंग हुई तमाम यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग आए, अब आप किस निष्कर्ष पे हैं, आप जो समिति के सदस्य हैं? देखिए ऐसा है कि जो पहले अखबार में जो बयानबाजी हुई ये कहीं ना कहीं सिस्टम में भी गलती है। जैसे जो जमीन है वो पंचायत लैंड है, आज हमारे पास तथ्य भी है, हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने पेश भी किए, सभी लोगों को बताया भी, बाकी ये जमीन पंचायत लैंड है न कि अराउंड की, तो हो सकता है कि वहाँ की कमेटी उनके पास भी कोई गलत रिपोर्ट गई हो, लेकिन सरकार का अभी सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। एम संघर्ष समिति आश्वस्त है, और जैसे आपने हमारे वकील साहब ने बताया कि 23 जुलाई बड़ा आंदोलन, फिर सीधे आम आंदोलन की बात करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन के लिए 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। हाँ चुनाव होने, हम चाहेंगे चुनाव से पहले पत्र लगे और आगे कड़ी होगी। ये एक इलाके ने 127 दिन तक जो हमारे बुजुर्ग थे वो दिल्ली जंतर मंतर पर यहाँ से 25 किलोमीटर हेडक्वार्टर के ऊपर 85 साल की और बुजुर्ग और थी पैदल गई हैं, तो उनका सहयोग व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं विश्वास है कि सहयोग जो संघर्ष किया था वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और इसके लिए अभी भी उम्मीदें बनी हुई बात करते हैं, क्योंकि तमाम जिस तरीके का ये आंदोलन चला है जाहिर है बड़ी परियोजना, कोई भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल एचआर न्यूज रेवाड़ी। HR न्यूज YouTube चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।